इलाज कर रहा है। तो देखिए, बातिनी एतबार से तो किसी को भी पहचाना नहीं जा सकता, ज़ाहरी एतबार से अगर कोई मालिज क़ुरान और सुन्नत के मुताबिक इलाज करता है, अब वो क़ुरान और सुन्नत के मुताबिक कर रहा है नहीं कर रहा है कैसे पता चलेगा? ज़ाहिर सी बात है, आपको क़ुरान और सुन्नत पढ़ना होगा, उसके लिए आपको क़ुरान और सुन्नत से कैसा इलाज किया जा सकता मालूम करना होगा। इंशाल्लाह हमारे एपिसोड चूँकि चालू है, उसमें मैं इंशाल्लाह मालिज में क्या खसूसियत है और रखने की कोशिश करूँगा, लेकिन बस मैं अभी ये कहूँगा कि क़ुरान और सुन्नत के मुताबिक अगर वो करता है और क़ुरान और सुन्नत में इलाज का तरीक़ा जो बताया गया है कि क़ुरान की आयतें पढ़ना, सूरतों को पढ़कर दम करना, दुआओं को पढ़कर दम करना अगर करता है तो ठीक है, वरना इज्तनाब करें, बचे, परहेज़ करें, यही ज़्यादा बेहतर है। वरना बहुत सारे लोग इलाज के नाम पर मुसलमानों के, मासूम मुसलमानों के अकीदे से और हलाल माल से खिलवाड़ करते हैं, उनका अकीदा भी बर्बाद करते हैं और हलाल माल को अपने पर जो है हराम तरीक़े से हलाल कर लेते हैं। तो इस बात को हम याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेटर्स पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हक़दार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।